थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सूजी और इसे मिक्सी में डाल करके इसको पीस लेंगे। तो सूजी आप मोटी वाली लें या महीन वाली, कोई भी सूजी लें, लेकिन उसको पीसना ज़रूर है। तो एक बार मिक्सी में डाल करके इसको अच्छे से पीस लीजिए। उसके बाद इसे हम छान लेंगे। अगर आप इस सूजी की जगह मैदे का केक बना रहे हैं तो मैदे को भी छान करके ही यूज़ करिएगा, लेकिन आज हम बना रहे हैं सूजी का। तो सूजी को मैंने पीस करके छान लिया है। अब हम लेंगे चीनी, इसे भी मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे और इसका भी एक पाउडर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो जो पीसी चीनी आती है शुगर पाउडर, उसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे पीस करके यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को पीस करके अलग कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा दही, इसे एक विस्कर की हेल्प से फेंट लेंगे अच्छे से, और इसमें हम जितनी भी चीज़ें ऐड करते जाएंगे सारी चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में फेंटना है आपको। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर जो हमने बना करके रखा हुआ है। इसे पहले हम छान लेंगे, उसके बाद इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है आपको। फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे मैंने आधा कप जो है कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, देखिए कुछ इस तरह का बन जाएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम जो हमने सूजी को पीस करके रखा था सूजी का पाउडर, वो मिक्स करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। एक साथ आपको पूरा सूजी का पाउडर नहीं इसमें डालना है, तो थोड़ा थोड़ा डाल करके उसको मिक्स करते जाइए। और सूजी को फूलने में, सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा सा हम गर्म दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसे हम ढक करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो गर्म दूध की वजह से सूजी जो है वो अच्छे से जल्दी से सेट हो जाएगी। फिर हम लेंगे टूटी फ्रूटी, तो यहाँ पे मैंने दो कलर के लिया हुआ है, रेड और ग्रीन। इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा डाल करके इसे अच्छे से कोट कर देंगे मैदे के साथ में। उसके बाद गैस में चढ़ाएंगे एक कुकर, क्योंकि आज हम जो केक बना रहे हैं वो कुकर में बना रहे हैं, इसलिए पहले से हम प्री हीट होने के लिए कुकर को गैस पर चढ़ा देंगे। और इसका जो लीड है, इसका जो सीटी होता है कुकर का, उसको निकाल करके इसे प्री हीट करेंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। उतनी देर में सूजी जो है वो भी अच्छे से सेट हो जाएगी, फूल जाएगी। तो चलिए हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से ये फूल गया है इसका बैटर जो है। तो लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस, साथ में इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और ऊपर से थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे बैटर को। बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम लेंगे एक बेकिंग ट्रे जिसमें हमें केक को बेक करना है। तो बेकिंग ट्रे के ऊपर हम लगा देंगे बटर पेपर और उसके ऊपर थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल देंगे, फिर उसमें बैटर को डाल देंगे और ऊपर से हम टूटी फ्रूटी डाल करके उसे अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, ताकि हमारा केक जो है वो देखने में अच्छा लगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अब हमारा केक तैयार है बेक करने के लिए। कुकर भी प्री हीट के लिए हमने रख दिया था, उसके अंदर अब हम ट्रे को रख करके 45 मिनट के बेक करेंगे। 45 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं, एक टूथपिक या फिर आप किसी भी चाकू की हेल्प से इसे चेक कर सकते हैं। चाकू को अंदर डाल करके देखना है कि बैटर जो है वो इसमें चाकू में चिपक तो नहीं रहा। अगर चिपकेगा तो मतलब हमारा केक अभी कच्चा है, पर इसमें नहीं चिपका है तो केक हमारा पूरी तरह से बेक हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर, अब इसे बेकिंग ट्रे से डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए बनके तैयार है हमारा सुपर मॉइस्ट सुपर स्पॉन्जी सूजी का केक। आई होप आपको आज की मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये सूजी का केक। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।